कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। सभी मित्रों के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को जय श्री राम कह रहा हूँ और उनको ये जरूर कह रहा हूँ, कांग्रेस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जय श्री राम और जय सिया राम दोनों का मतलब समझाने वाला होगा। श्री कौन है? माता सीता जी है। सिया कौन है? वो भी माता सीता जी है। अब श्री राहुल गांधी जी को यह ज्ञान कौन दे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को नकारती थी, आज उससे जय सिया राम कहना पड़ रहा है। श्री राहुल गांधी जी को धोती पहन करके और त्रिकोण लगा करके और भगवान महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाना पड़ रहा है। तो आज एक ये जो परिवर्तन का माहौल है, परिवर्तन के माहौल के कारण से कांग्रेस सहित सभी विरोधी पार्टियां जो पहले मंदिर जाने में परहेज करती थी, रोजा अवतार की पार्टियां कराने के समय जालीदार टोपी पहन करके फोटो सेशन करने में आनंद का अनुभव करती थी, आज कोई पार्टी करती है क्या? ऐसा नहीं करती है। इसलिए ये हमारी विचारधारा की जीत है, कांग्रेस और भाजपा विरोधी दलों की विचारधारा की हार। अब ये न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। श्री शिवपाल जी को मैनपुरी लोकसभा, तो वो चुनावी चाचा को मैं बताना चाह रहा हूँ, हार ही रहे हैं वहाँ साइकिल वाले, लेकिन अगर उनको जेदा गुमान जसवंत नगर में भी हो तो वह जब चुनाव आएगा उस समय ये चुनाव परिणाम आ जाने दो, उसके बाद वो इस्तीफा दे करके अपनी ताकत दिखा दे। भाजपा ज्यादा ताकतवर है, जनता का समर्थन उनके साथ है, वहां से इस्तीफा दे के फिर से चुनाव लड़ करके आ जाए।